पवित्र पुनिया को लेकर प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस ओटीटी जिस दिन लॉन्च हुआ शो उसी दिन बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन अब पवित्र पुनिया ने जवाब दे दिया है। क्या कहा था प्रतीक सहजपाल ने और पवित्रा ने अब क्या कहा है, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो बिग बॉस ओटीटी जो है लगभग दो दिन हो गए शुरू हो गया। पहले ही दिन बहुत सारा जो है ड्रामा हुआ स्टेज पर और ऐसा लगा कि प्रतीक में बहुत एटीट्यूड है, लेकिन कल जब शो देखा तो ऐसा लगा, लोग ये भी कह रहे थे कि प्रतीक ही सबसे ज्यादा रियल लग रहा है। प्रतीक जब स्टेज पर आए और उसके बाद जो है उनके एक्स की बात निकली, तब प्रतीक ने कहा कि हाँ मेरा रिश्ता उनके साथ जो है बहुत टॉक्सिक था और हम दोनों ही बहुत एग्रेसिव थे। तो ये सारे खुलासे जो है प्रतीक सहजपाल ने स्टेज पर पहले ही दिन कर दिए थे। वहीं आप सभी जानते ही हैं कि पवित्रा का जो नाम है वो पारस के साथ साथ प्रतीक के साथ भी जुड़ चुका है, फिलहाल जो है वो एजाज के साथ रिश्ते में है। लेकिन अब ई टाइम से बातचीत के दौरान पवित्रा से कहा गया कि प्रतीक ने तो ये सारी बातें कही हैं अपने रिश्ते को लेकर जो आपके साथ था कि टॉक्सिक था, बहुत एग्रेसिव थी, उन्होंने कहा मैं भी वैसा ही था। जिस पर पवित्रा ने कहा कि मैं इस पर कुछ बात नहीं करना चाहूंगी, जो लोग मेरे जिंदगी का हिस्सा नहीं है मैं उनके बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। उन्होंने आगे कहा कि मेरा भाई जो है इस शो का बहुत बड़ा फैन है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको नहीं देखा है अभी तक इस शो को, और लेकिन जब टीवी पर आएगा तो मैं ज़रूर देखूंगी, पर ओटीटी वाला मैंने नहीं देखा है। लेकिन मेरा भाई इस शो का बहुत बड़ा फैन है और मुझे खुशी है कि मैं पिछले सीजन में इस शो का हिस्सा थी। तो पवित्रा ने प्रतीक को किसी भी तरह का भाव देने से मना कर दिया और कहा कि जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है मैं उस पर किसी भी तरह की बात ही नहीं करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो प्रतीक ने बहुत सारी बातें स्टेज पर कही और पवित्रा को लेकर ये सारी बातें वो बोले, लेकिन अब पवित्रा ने इस पर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करने के लिए मना कर दिया है।